सब्सक्राइब करें टेक्निकल सुमो पांडे चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो। तो इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और ये मोबाइल आ गया हमारे पास अनबॉक्सिंग के लिए। तो चलिए हम अनबॉक्सिंग करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 6। तो ये है हमारे पास इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रेड कलर में भी आने वाला है। तो हमारे पास जो है वो गोल्डन कलर है। तो इसमें आपको मिल है, देख सकते हैं कि 18:9 इसका जो स्क्रीन है इंच की, और यहाँ पर डुअल कैमरा आपको मिल रहा है, और क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 425 आपको प्रोसेसर इसमें मिल रहा है। 4000 mAh बैटरी है, 4G LTE है, और फेस अनलॉक भी इसमें दिखाई दे रहे हैं कि फेस अनलॉक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेड इन इंडिया। तो चलिए हम इस डिब्बे को खोलते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया है इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो जो कि गोल्डन कलर का है। तो अब इसको हम ये है इसे हटा देते हैं और आप देख सकते हैं कि 6 इंच की इसकी डिस्प्ले है और डुअल कैमरा है, जो एक है 13 मेगापिक्सल और एक 2 मेगापिक्सल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रंट कैमरा भी 5 मेगापिक्सल आपको मिल जाता है। तो चलिए मैं इसे भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रखता हूँ साइड में और आपको कुछ दिखा देता हूँ कि इस डिब्बे में आप क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर चार्जर है, जो कि चार्जर आपको यहाँ पर मिल रहा है जो कि 5 वोल्ट का है, 1.2 एम्पीयर चार्जर है। तो USB केबल में करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी बात है कि मोबाइल का कवर भी आपको मिल रहा है इसमें। तो मोबाइल का कवर है ये, इसे रखते हैं, और सिम रिक्टर पिन, ये क्विक स्टार गाइड कुछ, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं कुछ भी, तो अच्छी बात है। ये देखिए आपको यहाँ पर स्क्रीन गार्ड भी मिला है, तो ये कुछ ऐसे ही है, ये अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ फिलहाल काम चल जाएगा इससे। तो चलते हैं कुछ कर लेते हैं इसके सेटअप, जो मोबाइल के सेटअप करने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिनिक्स पावर्ड बाय एंड्रॉयड, तो यहाँ पर लिखा है इन्फिनिक्स और हॉट। तो यहाँ पर जो मार्क है, और यहाँ पर ये वॉल्यूम की हैं और ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पीकर है और ये चार्जिंग कनेक्टर है, और यहाँ पर USB और माइक है वो मिल जाए। तो चलिए हम इसे सेटअप कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो फिंगर है तो वो मैंने सेट कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आप देखें कि मैंने टच किया और ओपन हो गया, मैंने टच किया और ओपन हो गया, ठीक है। तो जो फेस लॉक है अच्छी तरीके से भी काम नहीं कर रहा है, फिलहाल जो अपडेट आएगा वो लगता है तो अच्छी तरीके से काम करने लगे। तो जो फिंगर लॉक है वो ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो तो भी मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। देखिए इसकी सेटिंग में आपको मैं दिखा देता हूँ कि स्टोरेज आपको यहाँ पर दिखा देता है, स्टोरेज जो है इसका स्टोरेज है 8.94 GB यूज है। तो जो 8 GB है तो वो इसमें फ्री पड़ी है, ठीक है। तो 8 GB यहाँ पर यूज है। तो इसकी रैम जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 GB रैम है और 1.5 GB यूज है, और 1.5 GB आपको यहाँ पर फ्री मिल रही है। तो परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि यही है मोबाइल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये फ़ोटो है वो बहुत ही साफ आ रही है, बिल्कुल क्लीन है। ये फ़ोटो जो भी हैं ये नॉर्मल मोड में ली गई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोटो
बहुत ही अच्छी आ रही है ये ब्यूटी मोड लगा के ये फोटो ली प्लस कैमरे से, मतलब ब्यूटी प्लस लगा के ली गई। तो यहाँ पर फोटो बहुत ही साफ हैं, तो आप इसकी कैमरे की क्वालिटी देख सकते हैं कि कैमरा इसका कितना अच्छा है।